वाहिगुरु साहिब जी। गुरु नानक पद पंकज बंदन, पद पंकज बंदन। सिमरो अंगद दुख निकंदन, अमरदास हृदय नित त्यावो, हृदय नित त्यावो। श्री गुरु रामदास गुण गावो, श्री अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के हर गोबिंद शुभ सुमति प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर श्री हर कृष्ण मनाऊं बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला, सतगुर परम कृ श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला। तरों तरा पर पुन पुन सीसा, वाहे गुरु पुन पुन बंदो बार बार जगदीसा। जिस महे अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग, श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग। कहां बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सक्त कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह है विघन विनाशन सोए। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह है विघन विनाशन सोए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। दोहरा श्री गुरु नानक चरण बंद, गुरु गोबिंद सिंह ते आए। लिखो उत्पत्ति काल से, मोह निज करो सहाय। श्री गुरु नानक चरण बंद, गुर गोबिंद सिंह त्याए। लिखो उत्पत्ति काल से, मोह निज करो सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जान राज सतगुरु, पानान पान सतगुरु, चवर शवर तख्त दे मालक, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र पातशाही सचखंड दरबार दे अंदर जुड़ बैठे गुरु स्वरूप गुरु खालसा साह संगत जी। बड़ा ही भागां वाला दिन है, क्योंकि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज की रहमत का सदका सानू ये सुभागियां घड़ियां प्राप्त हुई ने। गुरद्वारा साहिब के प्रबंधक सज्जना वालों आप सब संगतां दे अंदर सिखी जज्बा भरन वास्ते नौजवान बच्चियां नू गुरु खालसा पंथ के इतिहास तो जाणू कराउण वास्ते, जो कि 18वीं सदी के इतिहास नू जिंदा रखण वाले ग्रंथ श्री गुरु पंथ प्रकाश की लड़ीवार विचार इस पावन पवित्र अस्थान तो रोज़ाना आप सब संगत सरवण कर सकोगे अज आरंभ हो रही है। सतगुरु के चरणों में अरदास करिए पातशाह, क्या हो कथी कथे कथ देखा,
मैं अकथ ना कथना जाई। पातशाह साड़ी जबान विच ताकत नहीं, असी तेरे उन्हां सिंघां सेवकां दी कथा कहानियां कर सकीए जिन्हां ने सिखी वास्ते बंद बंद कटवाया। साढ़े कन्नां विच ये ताकत भी नहीं, असी उन्हां सिंघां सेवकां दे इतिहास नूं सरवण भी कर सकीए जिन्हां ने सिखी सिदक नभाउण वास्ते अपने तन आरियां दे नाल भी चरवाए ने, जिन्हां ने खोपड़ भी लहाए ने। पातशाह जी किरपा करिओ, जिन्हां सिखां ने जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म दे वास्ते सिखी दे वास्ते तन कुरबान किते, बंद बंद कटवाए, खोपड़ियां लुहाइयां, पातशाह अज उन्हां दे इतिहास की लड़ीवार कथा आरंभ हो रही है। सीस ते मेहर भरिया हथ रख के इस पावन पवित्र इतिहासक ग्रंथ की विचार आप जी ने आप ही करवानी। ते खालसा जी, मैं पहला भी बेनती की कि गुरु गोबिंद सिंह दे बचन ने जेड़ा भी मेरा सिख, मेरा पुत्र जां मेरी धी मेरे उन्हां सिंघां सेवकां नूं याद करेगी जिन्हां ने शहीदियां पाईयां। सतगुरु कहिंदे जदों इतिहास सुन रहा होवेगा जां सुना रहा होवेगा, कल्ला नहीं होवेगा, गुरु गोबिंद सिंह उहदे नाल चौंकड़ा ला के बह जाएगा। खालसा जी आओ एक बार सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों के विच सुरत जोड़ते हुए पांच बार सतनाम श्री वाहेगुरु का जाप करके इस पावन पवित्र ग्रंथ की लड़ीवार कथा आप आरंभ करांगे। सारे ही प्रेम सहित उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी, भाई साहब भाई रतन सिंह जी पंगू, गुरु खालसा पंथ दे इतिहास नूं लिखण तो सब तो पहला उस अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा दा मंगल करदे ने, और जो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे अंदर भी आपां सरवण करदे, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतगुरु दी बाणी दे अंदर ये शब्द बार बार आए ने। पुराने सिखां सिंघां सेवकां दी ये भावना हुंदी सी किसी भी कार्ज नूं आरंभ करन तो पहला एक बार अकाल पुरख नूं चेते कर लिया जावे। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाणी लिखी है उन्होंने भी पहला परमात्मा नूं चेते किया, नमस्कार श्री खड़ग को करो सो हित चित लाए, पूरन करो ग्रंथ एहो तुम मुहे करो सहाय, ग्रंथ तां पूरा होवेगा जे परमात्मा सहायता कर दे। सो भाई रतन सिंह पंगू मंगल करते ने परमात्मा का कि वह एक है, ओंकार तो भाव संसार की उत्पत्ति कर रहा, संसार नूं जन्म दे रहा, संसार का पालन पोषण कर रहा है, तो अंत फिर संसार नूं समेट रहा है। तू ही राज रोजी देहो दस्तगीर, करीमे खता बख्श दानस पजीर, रोजी भी परमात्मा दे रहा है, रिजक भी परमात्मा दे रहा है, पर उस अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा की प्राप्ति तां हुंदी है जो गुरु का सिख सतगुर प्रसाद सच्चे गुरु की बख्शिश का पात्र बन जाता है। श्री वाहेगुरु जी की फतेह है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के अंदर शब्द आया एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी के अंदर शब्द आया श्री वाहेगुरु जी की फतेह है। क्योंकि जदों गुरु के सिख नूं परमात्मा की सोझी हो जाती है, जदों पता लग जाता है भी पालना भी परमात्मा करता है, जन्म भी परमात्मा दे रहा है, मरन भी परमात्मा दे हाथ विच है, जदों रब की बख्शिश का पात्र सिख बन जाता है, कहिंदे सिख धरती दे किसी भी कोने ते चलिया जावे वाहेगुरु की रहमत दे नाल सिख की खालसे की फतेह जरूर हुंदी है। खालसा जी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह दे प्रेम दे विच भिज के भाई रतन सिंह पंगू दूसरा मंगल करते ने, श्री वाहेगुरु जी की फतेह है,
श्री तो भाव सत्कारत शब्द परमात्मा वास्ते वरत्या। वाहेगुरु उस अकाल पुरख वाहेगुरु नू नमस्कार कीती जिस परमात्मा की कुदरत नू वेख करके भी इंसान की अंतर आत्मा अश्चर्य हो जाती है और बचन करते ने। जो अकाल पुरख वाहेगुरु बनस्पति विच रमिया है, जीव जंतुआ विच रमिया है, इंसाना विच रमिया है, धरती दे हर एक टुकड़े दे अंदर कण कण दे अंदर रमिया है, उस अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा की फतेह कुल कायनात दे उत्ते गुंजारा पा रही है। श्री गुरु अथ श्री गुरु पंथ प्रकाश ग्रंथ। अथ तो भाव के हुण श्री गुरु पंथ प्रकाश ग्रंथ है। हुण भाई रतन सिंह जी भंगू श्री गुरु पंथ प्रकाश। गुरु पंथ तो भाव सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने बड़ी वड्याई सिखां नूं दित्ती है। कलगियां वाले पातशाह ने अपने सिखां नूं अपने खालसे नूं सतगुरु कहा। खालसा मेरो सतगुरु पूरा। मैं अक्सर बेनती करदा गुरु गोबिंद सिंह वर्गा मुरशद नहीं मिलना। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसे दी झोली दे विच अपने चार लखते जिगर पा दिते। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसे दी झोली विच अपने मात पिता धन गुरु तेग बहादुर साहिब धन माता गुजर कौर जी भी पा दिते, कुर्बान कर दिते। ते खालसा जी चमकौर दी गड़ी दे अंदर सच्चे पातशाह ने अपने तन दे उत्ते जदों शाही चोला वेख्या, साहिब ने शाही चोला भी खालसे नूं दे दिता। सीस ते दमाले ते कलगी सजी सी, कलगियां वाले ने वह कलगी भी खालसे दी झोली विच पा दिती। चमकौर दी गड़ी छड्डन तो पहला मेरे साहिब दे मुबारक चरणां विच जोड़ा सी। सतगुरु ने खालसे दे मुखड़े वल वेख्या, अपने चरणा दा जोड़ा भी खालसे नूं दे दिता। ते चमकौर दी गड़ी तो एक गल कह के कलगियां वाले निकले, आपन पौ श्री खालसे सौंपा। के सिखो अज गुरु गोबिंद सिंह अपना आप गुरु खालसे नूं सौंप के इस चमकौर दी गड़ी नूं छड के जा रहा है। सो इस करके सतगुरु दे साजे नवाजे पंथ नूं गुरु पंथ कहा और उस गुरु पंथ दे इतिहास नूं इस ग्रंथ दे विच लिखना आरंभ करदे हन। प्रथम खालसे जी की आदि उत्पत्ति की साखी दोहरा, श्री गुरु नानक चरण बंद गुर गोबिंद सिंह त्याए। भाई साहब भाई रतन सिंह जी भंगू सब तो पहला सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दा धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगियां वाले चोजी प्यारे सतगुरु का नाम लै करके सतगुरुआं दे चरणा दा ओट आसरा तकदे हुए नमस्कार करदे हन। लिखो उत्पति खालसे मोए निज करो सहाय। और अरदास करदे ने ऐ कलगियां वाले सतगुरु मैं तेरे दरों करों साजे नवाजे, तेरी रहमतां दे खजाने दे मालक खालसा पंथ दे इतिहास नूं लिखण जा रहा, किरपा करी मेरी सहायता करी, मेरी कलम दे विच आके खड़ जावी, इस कलम दे अखरां दे विच आके वरत जावी। खालसा जी मैं खिन मात्र बेनती करां, भाई साहब भाई रतन सिंह भंगू कोई मामूली शख्सियत कोई मामूली लखारी नहीं, बल्कि करोड़ियां मिसल वाले भाई शाम सिंह जी उन्हां दे दोतरे ने। भाई साहब भाई सुखा सिंह भाई महताब सिंह मीरा कोटीए जिन्हां ने मसे रंगड़ दा सिर वड्डिया, भाई महताब सिंह जी मीरा कोटीए दे पोतरे ने, ते जिन्हां ने बंदा सिंह बहादुर दे नाल सरहंद दी धरती दे विच जंग दे विच शमूलियत कीती, भाई राय सिंह दे ए पुत्तर ने। ओ भाई साहब भाई रतन सिंह जी भंगू गुरु खालसे पंथ दे इतिहास नूं लिखणा आरंभ करदे हन। चौपाई अब मैं लिखूं सिंगन की साखी। भाई रतन सिंह जी भंगू हुण सिंघां दी खालसियां दी साखी लिखणी आरंभ करदे हन। जय बिद बढ़न असाडन आखी। और भाई साहब कहंदे सिखो यह कोई मामूली गल नहीं, क्योंकि गुरु खालसियां ने पूरने ऐसे पाए ने, उन्हां दे इतिहास नूं लिखण वास्ते जिगरा भी बड़ा वड्डा चाहीदा है।
और पुरातन ते भी सुनी। भाई साहब भाई रतन सिंह भंगू कहंदे ने जो भी इतिहास मैं इस ग्रंथ विच लिखन जा रहा इदे विच कुछ भी अपने वलों नहीं लिखांगा। कृपा दे नाल बहुत कुछ सीखण नूं मिल जांदा है। इसे करके गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे अंदर भी कहा कि तू संगत करिया कर जिन्हां ने गुरसिखी नूं कमाया जिन्हां ने परमात्मा दे नाम दा अभ्यास किया है। सो मैं कहूं यथा मत माही। सो भाई साहब भाई रतन सिंह भंगू लिखते ने कि हुण बजुर्गां तो सुनी हुई साखियां मैं आरंभ करदा हां। मन तन प्रीत भाओ पै दाही। अपने मन और तन दे अंदर खालसा पंथ प्रति प्रेम धार के मैं इतिहास लिखण जा रहा हां। जे विद कही अंग्रेजन संग। किस तरह मैं अंग्रेजा नू फरंगिया नू गुरु खालसे पंथ दा इतिहास दसिया मैं ओ दसन जा रहा क्योंकि यह ग्रंथ उदों लिखिया गया जदों इसे देश दी इंग्लैंड दी राणी ने वजीरां नू पुछिया कि यह निलंबर धारी गुरु खालसा पंथ यह निलंबर धारी सिंह फौजां कित्थों प्रगट हो रही है। पूरे भारत दे विच फिरंगी सरकार दा जो कि राज कायम हो चुके है पर यह फिर भी अपने आप दे विच इक राजे पातशाह दी तरह विचरदे ने। इन्हां बारे जान के इन्हां बारे खोज करके मैनू दसनी करो। उस वक्त इंग्लैंड दी राणी ने भारत दी धरती दे उत्ते अपने वजीर भेजे और गुरु खालसा पंथ दे इतिहास नूं उन्हां ने लिखना आरंभ किया। भाई साहब भाई रतन सिंह भंगू किस तरह अंग्रेजां दे नाल मिलाप करके अंग्रेजां नूं गुरु खालसे पंथ दा इतिहास दसदे ने ओ आपां हुण सरवण करांगे। रखो उथान का सो प्रसंग। भाई साहब ओ सारा प्रसंग हुण दसना करदे हन। उतोट भाई फ्रांसिस फरंगी। कहंदे सब तो पहला भारत दे विच जिन्हां ने कदम जमाए ओ सन फ्रांस लोक दे फरंगी। उन्हां दे विचों इक फरंगी दा नाम सी टुभाई। उस बारे भाई साहब भाई रतन सिंह भंगू जी दस रहे हन। मरहटन नौकर रखियो सो जंगी। जो टुभाई नाम दा फ्रांस दे रहण वाला फरंगी सी गोरा सी। कहंदे मरहटियां ने इस टुभाई नाम दे गोरे नू अपने कोल नौकर रखिया होया सी। एक कंपू तिस सुपुर्द कर दियो। और इस फ्रांस दे गोरे दे कोल एक कंपनी सी एक फौज सी जेड़ी के इदे हुकम दे अनुसार चलिया करदी सी। बहुत बरस सोचा कर रहयो। ए फ्रांस दा गोरा बड़े साल मरहटियां दी चाकरी करदा रिया नौकरी करदा रिया। प्यो बुढो तो तक्यो वतन। ते जिस वक्त ए फ्रांस दा रहण वाला टुभाई नामक गोरा बजुर्ग हो गया इनू अपने देश दी याद आउण लगी ते इन्हें मन विच फुरना धारिया के मैं वापस अपने देश नू परत जावा। तुरे ओ बेच सब आपन जतन। ते जो भी इन्हें जायदाद भारत दी धरती ते बनाई सी इन्हें वेचनी शुरू कर दिती। पीरू भैन जायो उस आए। उस वक्त इदी भैन दा जाया भाव के भैन दी कुखों जन्मिया इदा एक पनेवा सी जिदा नाम सी पीरू। इन्हें अपने पनेवे नू अपने कोल बुलाया। बाकी सौंप गए उस जाहे। अपने पनेवे नू अपनी फौज ते अपनी कंपनी सौंप करके अपने देशां नू परत गया। दोहरा सो पीरू इक कंपुआ और किए तिन चार। जो इस फ्रांस दे गोरे दा पनेवा सी पीरू कहंदे मेहनती सी मशक्कत घालदा सी उन्हें एक तो चार कंपनियां बना लिया चार कंपनियां दी स्थापना कर दिती। दिल्ली अते आगर गंग बीच बेहोमार। कहंदे दिल्ली तो आगरे तक इदे नाम दियां गुंजारां पै रहियां सी। इन्हें मार मकाए कई हाकम ते अपना कब्जा जमा लिया। चौपई मुरहटन को तब संसो पेओ। कहंदे जदों इस पीरू नाम दे गोरे दी चढ़ाई होण लगी चढ़ धोण लगी ते जेड़े मरहटे सी उन्हां नू मन दे विच संसा पै गया। जदों किसे दी चढ़ाई होण लग पवे ना ते सरकारां नू फिर संसा पै जांदा संसार संसरकारां नू चिंता होण लग जांदी है।
कि किते साड़ी सरकार नू साड़ी गद्दी नू खतरा ना हो जावे। ते कहंदे जदों पीरू नाम दे गोरे दी चढ़त होई तां उस वक्त मरहटियां दी सरकार नू खतरा पै गया अपने तख्तां दा। चाहे मुल्क उसे ते लेओ। ते मन विच मरहटे सोचण लगे भी आपां पीरू तो वापस मुल्क लै लईए, जो भी इस नू ताकत दित्ती है, पावर दित्ती हुई है, पावर सारी वापस लै करके इनू इहदे देश भेज दईए। हट्टियां दे सारे मनसूबे समझ गया। बेच देश अंग्रेजन दे गयो। कहंदे अंग्रेज लोग इस देश दे फिरंगी लोग ब्रिटिश सरकार दे लोग दिल्ली दे विच अपने कदम जमाउणा चाहुंदे सन, पर उन्हां दे पैर नहीं सन लगदे। ते इधरों पीरू दी मरहट्टियां दे नाल वाद विवाद छिड़ गया। पीरू ने अपनी सारी जायदाद अंग्रेजां नू ब्रिटिश सरकार नू वेच दित्ती। 1860 साल ये गल हैगी है 1860 संमत बिक्रमी दी। ते जे ईसवी दे नाल जो के साल 2022 चल रहा है, ईसवी संमत दे नाल जे ईसवी दे हिसाब नाल वेखीए ते 1803 साल दी ये गल है जिस वक्त पीरू ने सारी जायदाद अंग्रेजां नू वेची है। गयो मराठन को भोगाल। कहंदे ने अंग्रेजां नू केवल उन्हें जायदादां कंपनियां नहीं वेचियां, बल्कि मरहट्टियां दी सरकार नू गाल के गया है। लेओ मुल्क अंग्रेजन रोक। हुण जिहड़े अंग्रेज लोग सन इन्हां ने मुल्क दे उत्ते कब्जा जमा लिया, क्योंकि जदों भारत दे विच गए ने इन्हां ने बड़े नीति दे नाल काम किया। इन्हां ने जाके पहलां जंग नहीं की, इन्हां ने जाके हिंदुस्तान दे राजियां नू पहलां करजा दिता, करजे दे विच डोब दिता। जदों राजे करजे विच डुब जांदे सी ते अंग्रेज सरकार उन्हां दी फौज दे उत्ते कब्जा कर लैंदी सी, उन्हां दे हथियारां ते कब्जा कर लैंदी सी, ते बाद विच उन्हां दे अस्त्र वस्त्र शस्त्र महलां ते कब्जा करके उन्हां ही राजियां नू अपना गुलाम बना लैंदी सी। बड़े नीति दे नाल भारत देश दे उत्ते इन्हां अंग्रेजां ने कब्जा किया, अपना राज जमाया है। मरहट्टन के घर पर गयो शोक। जदों मरहट्टियां दा तख्त हिल गया, सरकार हिल गई, कहिंदे मरहट्टियां दे घर दे विच सोग बन गया। दिल्ली आए बड़ियो करनैल। कहिंदे उस वक्त अंग्रेज सरकार दा ब्रिटिश सरकार दा एक करनल दिल्ली दी धरती ते आया है। लैणी अख्तर जो जरनैल। मिस्टर लौणी अख्तर उस अंग्रेज करनल दा नाम सी जिहड़ा दिल्ली दी धरती ते पहुंचया है। सिंगण घेर लई चढ़ दिल्ली। पर खालसा जी, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा साजिया नवाजिया खालसा ये मौत दी परवाह नहीं करदा। इहदे सामने जे औरंगा खड़ जावे औरंगे नू ललकारदा, जे इस खालसे दे सामने वजीद खां खड़ जावे ये उस नू भी धूड़ चटा दिंदा। इत्थे मीर मन्नू आया, अहमद शाह अबदाली आया, पर खालसे नू कोई हरा ना सकिया। कहंदे एक कहावत बन गई, कहंदे अंग्रेज सरकार दा राज खत्म ना हुंदा जे उन्हां ने पंजाब दी धरती वल मूँह ना कीता हुंदा। जेड़ी भी हकूमत खालसे दे उत्ते वादा करदी है, खालसे दे उत्ते वादा करन वाली हकूमत दियां जड़ां पुटियां जांदियां, पर खालसे दे निशान धरती दे हर एक कोने विच झुलदे ने ते सदा झुलदे ही रहणगे। खालसा जी, जदों अंग्रेज मिस्टर लौणी अख्तर करनल दिल्ली दी धरती ते आया, कहिंदे नीलंबर धारी खालसे घोड़ियां ते सवार हत्थां दे विच बरछे पकड़ के अकाल अकाल गुरबर अकाल दे जाप करदे होए दिल्ली दी धरती ते प्रवेश कीते। कहिंदे दिल्ली दे तख्त नूं गुरू का खालसा पंथ क्या करदा सी, ज्यों बिल्ली मारी त्यों दिल्ली मारी। कहिंदे दिल्ली दा तख्त खालसे वास्ते बिल्ली दी तरह है, जिस तरह बिल्ली नूं मार मकाईदा शिकार करीदा, इस तरह खालसे वास्ते दिल्ली दा तख्त कोई बहुती वड्डी गल नहीं। खालसा गुरु अगे अरदास करके जदों चढ़ के जांदा है, वड्डे वड्डे जरनैल फिर हथियार छड़ के भजदे हुंदे ने। सो हुण गुरु खालसा पंथ दिल्ली दी धरती ते पहुंचया है। सिंगन घेर लई चढ़ दिल्ली। गुरु के खालसियां ने दिल्ली दी धरती नू घेरा पाया। ग
कहिंदे जिस वक्त गुरु के खालसियां ने दिल्ली दी धरती ते घोड़े खलार के बोले सोने हाल दे जकारे गजाए, गुरु के खालसियां ने सत श्री अकाल दे नारे बुलंद किते, ब्रिटिश सरकार दे करनल मिस्टर लोनी अख्तर दे कन दे पर्दे लगे। जदों गुरु खालसियां दे चेहरियां वल वेख्या कहिंदा हैरान रह गया कि फौज बड़ी वेखी है, जरनैल बड़े वेखे ने, करनल बड़े वेखे ने, फौजदार बड़े वेखे ने, पर यह गुरु के खालसे ते जदों जकारा गजाउंदे ने ते वड्डियां वड्डियां हथियारां वालियां फौजां भी जंग दा मैदान छड के भजदियां जांदियां ने। कहिंदे अंग्रेज़ भी गुरु खालसे पंथ की चढ़त नूं वेख करके घबरा गए। अंग्रेज करनल मन वे सोचन लगा भारत की धरती दे उत्ते साडे हुकम तो बिना पत्ता नहीं हिलदा, ये किहड़े फौज है जिहड़ी घोड़िया ते सवार होके दिल्ली की धरती ते चढ़ के आ गई है। मैं सिंगन सो जोर बसाया, पर कहिंदे जिस तरह हाथी विशाल होवे ते निक्के मोटे कतूरे हाथी नूं वेख के भौंकदे तां जरूर ने पर हाथी दे नज़दीक नहीं जांदे। कहिंदे खालसे दी चढ़त नूं वेख करके जिहड़े के हाकम एक वार मन दे विच रोस तां करदे ने, क्रोध तां करदे ने, पर खालसे दी चढ़त तो भयभीत हुंदे आ खालसे नूं हथ भी नहीं पाउंदे। कहिंदे अंग्रेज़ सरकार खालसे वल वधदी भी नहीं है। तब अंग्रेजन पुछियो पातशाहे, अंग्रेज सरकार दी ये नीति सी जदों किसे राजे दे राज नूं खत्म करदे सी पहला उस राजे बारे जानदे सी, पड़चोल करदे सी, खोज करदे सी, उस दियां फौजां बारे, सिपाहियां बारे, हथियारां बारे खोज करके फिर उस राजे ते हमला करके उहदा तख्त दे उत्ते कब्जा करदे सी। हुण गुरु के खालसियां नूं जदों वेख्या ते दिल्ली दे बादशाह नूं पुछदे ने कि ये गुरु के फौज, ये जो फौज दिल्ली दे धरती ते चढ़ के आई है, ये फौज बारे जानकारी दियो। सिंगन मुल्क दियो कह आए, बादशाह दिल्ली दे बादशाह नूं पुछण लगा भी जिहड़े घोड़ियां ते सवार होके तेरे तख्त वल बरशे करके हथियार करके तेनूं ललकार रहे ने, इन्हां लोकां नूं किन्हां ने मुल्क दिता, किस सरकार ने इन्हां खालसियां नूं मुल्क लिख के दिता है। दोहरा मारियो कौन गनीम इन्ना, कौन सवारियो काम। हुण सरकारां दे विच उहनूं माण दिता जांदा है जिन्हें सरकार वास्ते किसी दुश्मन नूं मार मकाया होवे, ते अंग्रेज़ करनल मिस्टर लोनी अख्तर दिल्ली दे बादशाह नूं पुछदा है कि दिल्ली दे बादशाह वास्ते इन्हां ने किसी दुश्मन नूं मार मकाया जिहड़े अज दिल्ली ते चढ़ के आए ने, पर बादशाह तू फिर भी इन्हां नूं रोक नहीं सकिया। दीनों पटेल खाए जिन केहो शाहे उस नाम। पुरातन समय दे विच बादशाह फौजां तों फौजदारां तों खुश हो करके जगीरां दे पटे लिख के दे देंदे सी। अंग्रेज़ सरकार पुछण लगी बादशाह इन्हां नूं किस राजे ने, किस बादशाह ने जमीनां दे पटे लिख के दिते ने, दसना करो। तब पातशाह उत्तर कहो, तां दिल्ली दा बादशाह फिर अंग्रेज सरकार दे करनल नूं उत्तर देण लगा है। नहीं शाहे किन इनको लिख देओ। दिल्ली दा बादशाह कहन लगा मिस्टर लोनी अख्तर नूं के करनल इन्हां लोकां नूं किसे ने भी जगीरां पटे विच लिख के नहीं दित्तियां, नहीं काम को इन्हें सवारियो और ना ही इन्हां ने दिल्ली दे तख्त दा कोई काम सवारिया, दिल्ली सरकार दे कोई काम भी नहीं सवारे हन। नहीं गनीम कोई इन्हें मारियो, ना ही इन्हां ने दिल्ली दे तख्त वास्ते दिल्ली सरकार दे दुश्मनां नूं मार मकाया है। निज मल मुगल ने नादर बुलायो, तां उस वक्त दिल्ली दा बादशाह अपने वल्लों मन घड़ंत कहानी बना के अंग्रेज सरकार नूं सुनाउंदा है कि एक साडा हाकम होया निजामुद्दीन, कहिंदे निजामुद्दीन ने नादर शाह नूं जिस वक्त बुलाया तां इस देश दे विच हिंदुस्तान दे विच मरहट्टियां दी, पठानां दी, मुगलां दी जंग छिड़ गई सी।
दिल्ली को नाश करायो ता उस जंग दे कारण दिल्ली सरकार दा बहुत नुकसान होया है। रोहेले नजीबे अहमद शाह रोहेले नजीबे अहमद शाह सदवायो दिल्ली दा बादशाह कहन लगा रोहेलिया दी कौम दे विचो एक नजीब खां होया। उस नजीब खां ने अफगानिस्तान की धरती तो अहमद शाह अबदाली नू भारत दे विच बुलाया। जदों भारत दे विच अहमद शाह अबदाली आया पठाना दी मुगलां दी मरहटियां दी जंग हुई तां साडा भी सारा ध्यान अहमद शाह अबदाली दा मुकाबला करन दे विच जो के ध्यान जा रहा सी। पाओ मरवटे उने गल वायो क्योंकि उस वक्त पाऊआं दी ते मरहटियां दी बहुत वड्डी जंग छिड़ चुकी सी। आप तक कैवो मुड़ गयो कहंदे भारत नू लुट करके अहमद शाह अबदाली जदों थक गया ओ तां वापस अपने देश नू परत गया। पर अहमद शाह अबदाली दे जान तो बाद ए लोक आकी हो गए। ए जड़े लोक ने सरकार तो आकी ने सरकार तो बागी ने। खालसा जी ए सच है समा भावे अज दा होवे समा भावे पुरातन होवे गुरु का खालसा पंथ अपने हक दी गल करे ना ते ए ना कोई समझे के मौके दे बादशाह ए कहणगे के खालसियां बड़ा चंगा काम कीता बल्कि मौके दियां हकूमतां शुरू तो गुरु के खालसियां नू गुरु के सिंघां नू बागी ते आकी ते अतवादी कहिंदी आई है। उही कारण है अज भी गुरु का खालसा अपने हक लई जदों गल करदा ते हकूमतां फिर वखवादी जां अतवादी कह दिंदियां पर दिल्ली दा बादशाह भी इत्थे झूठ बोल रहा है कहिंदा उस वक्त ए सरकार तो आकी होए होए लोक हन। शाहे दुष्ट एम कपट उचारा भाई रतन सिंह पंगू कहंदे ने इस तरह उस दुष्ट कपटी बादशाह ने सिंघां वास्ते झूठ उचारिया झूठ बोलिया है। सिंघ ने उपर तोड़ा झाड़ा कहंदे ने गलतियां उन्हां दियां माड़े कर्म उन्हां दे जुलम दिल्ली दी सरकार दे पर कहंदे ने सारा कुछ सिंघां उत्ते झाड़ दिता। सिंघन को नई रयत बतायो कहंदे ने गुरु के खालसियां नू आकी दसदा है गुरु के सिंघां नू बागी दसदा है दिल्ली दा कपटी बादशाह। कहंदे दिल्ली दा कपटी बादशाह अंग्रेज सरकार नू सच नहीं दसदा भी जेडे निलंबर धारी खालसे दिल्ली दी धरती ते चढ़ के आए ने ए गुरु का खालसा पंथ है दिल्ली दा बादशाह खालसा पंथ बारे बिल्कुल भी नहीं दसदा। कहंदे ना ही दिल्ली दे बादशाह ने गुरु खालसा पंथ दे मुरशद सतगुरु गुरु नानक साहब तो लैके सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी तक दसे पातशाहियां बारे बिल्कुल भी नहीं दसिया। गुरुवन शाह ने जिस झगड़ो रहा ए भी दिल्ली दा बादशाह नहीं दसदा के जदों तो गुरु नानक साहिब महाराज प्रगट होए उदों तो लै करके गुरु के खालसे पंथ दा ते सतगुरु सच्चे पातशाह दा संसार दे झूठे बादशाहां दे नाल विवाद चलदा आ रिहा है क्योंकि बाबे के बाबर के दऊ आप करे परमेश्वर सऊ। एक पासे बाबे के ने एक पासे बाबर के ने एक पासे बाबा नानक है एक पासे बाबर बादशाह है। गुरु नानक साहिब बाबर नू जाबर कहंदे ने बाबर दियां जड़ां पुटियां जांदियां पर सच्चे पातशाह गुरु नानक दी जय जयकार अज भी हो रही है। खालसा जी बाबे के बाबर के दऊ आप करे परमेश्वर सऊ। एक पासे गुरु गोबिंद सिंह दा सच्चा तख्त है एक पासे दिल्ली दा झूठा तख्त है। गुरु गोबिंद सिंह दी हस्ती नू मकाउण दा हुकम जारी करन वाले दिल्ली दे तख्त दी कोई बात नहीं पुछदा पर गुरु गोबिंद सिंह दे साजे सच्चे तख्तां दी जय जयकार विश्व भर दे विच हो रही है। भाई रतन सिंह पंगू कहंदे कपटी बादशाह झूठा बादशाह दसे पातशाहियां दे इतिहास बारे बिल्कुल भी नहीं दसदा। दोहरा श्री गुरु नानक जिम पियो आगे वध्यो प्रताप ए भी नहीं दसिया के किस तरह गुरु नानक साहिब दा आगाज होया
गुरु नानक साहिब महाराज दा संसार दे तख्ते ते प्रताप वधिया है। जिम बाबर पर कृपा पई क्यों न मन रख पाप। किस तरह गुरु नानक साहिब ने बाबर नू जाबर क्या ते बाबर नू एक गल कही के बादशाह जे चौने राज सलामत रवे ते अपने मन दे विच्चों पाप कड, क्योंकि ओही राजे दा राज सलामत रहंदा है जेड़ा अपनी प्रजा नू सुखी रखदा है। जेड़ा राजा अपनी प्रजा नू दुखी कर दवे ओदा राज फिर बहुती देर नहीं रहंदा। जिम फिर मुगलन हिंदू सताए। भाई साहब कहंदे बादशाह ये भी नहीं दसदा भी मुगलां ने किस तरह सवा सवा मन जनेऊ उतारिया, किस तरह मुगलां ने हिंदुआं दे उत्ते अत्याचार किता, जबरी धर्म तब्दील किते, धार्मिक अस्थान ढाए, औरंगजेब ने मंदिर ढाए, इस बारे दिल्ली दा बादशाह बिल्कुल भी नहीं दसदा। जिम उन सिखियो गुरु अकाए। ते कहंदे फिर किस तरह गुरु दी सिखिया दे नाल इस जबर जुल्म दा टाकरा गुरु का खालसा पंथ अपने सबर नाल करदा बादशाह नहीं दसदा। जिम जिम गुरु अन सिर रसो कियो। कहंदे किस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह ने सिरर नभाया तत्ती तवी दे उत्ते सतगुरु गुरु अर्जन दे बैठ गए। वेखो खालसा जी आज संसार दे विच मैं खिन मात्र बेनती करा निक्कियां मोटियां गल्लां तो सिखां दा सुभा तत्ता हो जांदा है, पर सुने है दुख पाप का नास नानक भगतां सदा विगास। भगत गुरु नानक दे सिख सदा खेड़े च रहिंदे आ, सिखां दे उत्ते क्रोध दा प्रभाव नहीं हुंदा, वीर रस जरूर हुंदा है। मैं बेनती करां गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते बैठे, तवी तत्ती है सीस दे उत्ते पैर या रेता तत्ता है, उस वक्त मौसम भी तत्ता है। जेड़े बादशाह दे हुकम दे नाल तत्ती तवी ते बिठा के तसीहे दिते गए ओ बादशाह दा सुभाव भी तत्ता है। पर जदो गुरु अर्जन देव जी नू पुछया ते सच्चे पातशाह मुस्करा के कहंदे ने सीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम। कहंदे इस तों वध ठंडा कुछ भी नहीं जदो तत्ती तवी दे उत्ते बैठ के रब दा ठंडा नाम चेते आ जावे। पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली। सो भाई साहब कहंदे सतगुरु सच्चे पातशाह दे इस सिरर बारे कपटी बादशाह बिल्कुल नहीं दसदा। शीस दियो और सिरर ना दियो। किस तरह गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह चांदनी चौंक दे विच दिल्ली दे झूठे तख्त दे मूहरे बह करके शीस धड़ तो जुदा कराउंदे ने। वेखो जिस तख्त तो हुक्म जारी होया गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दा शीस धड़ तो जुदा करन दा, उस दिल्ली दे तख्त नूं कोई बात नहीं पुछदा, दिल्ली दे तख्त नूं कोई शीस नहीं चकाउंदा। पर जिस थां दे उत्ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी दा शीस धड़ तो जुदा होया, जिस थां दे उत्ते गुरु तेग बहादुर जी दे तन दा लहू डुलिया, उत्थे अज भावें मुसलमान होवे भावें हिंदू होवे सिख होवे ईसाई होवे गुरु तेग बहादुर दे चरणा विच मत्था टेकण तो बिना अगे कदम नहीं पुटदा। यह है सतगुरु सच्चे पातशाह ते सच्चे पातशाह दे तख्तां दी वडियाई। सच्चे पातशाह ते पातशाह दे पंथ नूं मकाउण वाले मुक जांदे, पर पातशाह ते सच्चे पातशाह दे साजे पंथ दी हस्ती ओ अडोल है, वह मिटदी नहीं। सो खालसा जी समा सीमित है, सतगुरु सच्चे पातशाह दे साजे नवाजे पंथ बारे दिल्ली दा कपटी बादशाह झूठ बोलदा है। इस तों बाद अंग्रेज़ सरकार दी किस तरह भाई रतन सिंह भंगू दे नाल मुलाकात हुंदी है, भाई साहब भाई रतन सिंह जी भंगू किस तरह अंग्रेज़ सरकार नूं फिर यह सारा इतिहास दसदे ने वो आपां सरवण करांगे। आओ एक प्रसंग सरवण करके ਆਪਾਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਜੇ ਬਿਦ ਬੈਰ ਸਾਹਨ ਗੁਰ ਭਇਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਗੁਰਵ ਜਿਮ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਪੰਥ ਰਚਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਉਸ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਥ ਮਦਦ ਕੋ ਚੰਡ ਜਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ
कलगिया वाले ने वह भांबड़ा की मचदी चंडी साज दी, जिस चंडी ने जिस कपटी बादशाह वल मूह किया उहदे राज दियां जड़ां पट दित्तियां। चंड भेट गए भेट लगाई, जेड़ी चंडी खालसा अपने गात्रे विच पाई फिरदा तीन फुट दी तेग, कहंदे जेड़ी ए खालसे दी चंडी ने जिस जुलमी बादशाह दी धौण नूं जाके छुया, कहंदे द्वैत नमो श्री भगवती बडैली सरोही, करे एक ते द्वै सुपट हाथ सोही, कहंदे उस कपटी बादशाह दे शरीर दे दो टुकड़े करके आई है। देह आपन मी चंड चढ़वाई, कहंदे कलगियां वाले ने अपनियां सारियां रहमतां खालसे नूं ते खालसे दी चंडी इस तेग नूं बख्श दित्तियां ने। वो तुरकन सिर पई बुराई, कहंदे किस तरह तुरकां दे सिर बुराई आई ते खालसे दी जय जयकार हुई बादशाह नहीं दसदा। पंथ खातर गुरु इति कमाई, इस खालसे पंथ वास्ते गुरु कलगियां वाले ने कमाई कीती, अपने लगते जिगरां दा खून खालसा पंथ दी नीहां विच पाया ए भी नहीं दसिया। दुष्ट नाहे सुनाई, दिल्ली दा दुष्ट बादशाह बिलकुल नहीं दसदा, पर हुण भाई रतन सिंह पंगू आउण वाले दिनां दे विच दसणगे किस तरह गुरु नानक साहब का आगाज होया, सच्चे पातशाह ने चोज वरताए खालसा जी। इस आने वाले दिनों के 18वीं सदी का इतिहास सरवण करांगे। बंदा सिंह बहादुर, भाई मनी सिंह, भाई तारू सिंह, भाई साहब भाई गुरबख्श सिंह निहंग सिंह, उन्हां सिंघां सेवकां दे इतिहास नूं सरवण करना है, जिन्हां बारे अरदास च कहने जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लुहाइया। सो बड़ा बड़ा उपराला इन्हां प्रबंधक सज्जना वालों, भाई हरमीत सिंह, भाई दविंदर सिंह होना वालों किया गया। आप संगत नूं बेनती है समा कढ़ के अपने नौजवानों नूं गुरु दरबार दे विच गुरु खालसा पंथ का इतिहास सरवण करन लई जरूर हाजरी भरनी आओ। अखीर दे विच फतेह की सांझ पाइए, सारे प्रेम नाल शब्द का जाप करो जी। हे चुत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्व मैं दुख भंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जा कै सदा बवेक, हे अपरंपर हर हरे हैपी होवन हार, हे संत के सदा संग निधाराया धार, हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दी जय नाम दान राखो ही है, आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल, एक अखर हर मन बसत नानक कथा निताप्रत होत है, सुनो सुसिंग सुजान नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करें कल्याण, नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करें कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।